दोस्त, अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट काफी दिनों पहले डीएक्टिवेट किया था, ज्यादा टाइम हो गया है फिर कम टाइम हुआ है, लॉगिन करने का प्रोसेस बस यही है। आप अकाउंट को वापस एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, लॉगिन कर लो। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल वाला आइकन दिख रहा है, अगर दूसरा अकाउंट लॉगिन है तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको ये प्रोफाइल वाला आइकन दिखेगा। अकाउंट लॉगिन नहीं है तो डायरेक्ट आपका लॉगिन पेज आ रहा होगा, उसी पर क्लिक कर देना है। अब मैं लॉगिन पेज पर चलता हूँ, वैसे एक बार ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करते हैं, लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं। आपको भी अकाउंट लॉगिन है तो इसी तरह से करना है, इस तरह से आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालकर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अकाउंट एक्टिवेट आपका एक सेकंड में हो जाएगा, वो डीएक्टिवेट नहीं रहेगा। अब लेकिन बहुत सारे लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड में डालने में प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो आपको पासवर्ड नहीं पता, तो पासवर्ड नहीं पता है उसके लिए क्या करना है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पासवर्ड पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसको ध्यान रखना, मैं आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के सभी तरीके बताऊंगा, इसके बाद और तरीके भी बताऊंगा। जीमेल एप्लीकेशन ओपन किया, अब आपको आपकी फोटो दिख रही है ऊपर, इस पर क्लिक करना है। और अकाउंट में आपको यहाँ पर मैनेज और गूगल अकाउंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर गूगल अकाउंट में एंटर हो गए, अब यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिखेंगे, अभी दिखाता हूँ, होम, पर्सनल इन्फो, डेटा एंड प्राइवेसी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर क्लिक करके आपको लास्ट में आ जाना है, नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड मैनेजर का, इस पर क्लिक करना है। पासवर्ड मैनेजर पर क्लिक करते हुए मेरे तो कोई पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं हो रहे, इसलिए मुझे अकाउंट को स्विच करना पड़ेगा। दूसरे अकाउंट में चलते हैं एक बार, क्योंकि मेरा इस अकाउंट में नहीं है, दूसरे अकाउंट में। आपको भी इसी तरह से दूसरे अकाउंट में चेक कर लेना है, पासवर्ड आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो जब दूसरे अकाउंट में स्विच करोगे तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा, फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम ये मेरे शो हो रहे हैं, क्योंकि इस अकाउंट में मेरे पासवर्ड है। अब इंस्टाग्राम पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे स्क्रीन लॉक ओपन करने के लिए बोल रहा है, स्क्रीन लॉक ओपन किया। अब यहाँ पर मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीज शो हो गई है, यूजर नेम को भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, पासवर्ड को भी कॉपी कर सकता हूँ। ये बगल में जो आंख बनी हुई है, इस पर क्लिक करके पासवर्ड को मैं देख भी सकता हूँ। तो कुल मिलाकर सबसे पहली समस्या तो यहाँ पर हल हो गई, हमें पासवर्ड मिल गया, अब यूजर नेम और पासवर्ड से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना 90% लोगों का तो हो जाएगा, बाकी 10% लोगों को तो अब भी प्रॉब्लम आएगी। उनके लिए आपको क्या करना है, नीचे फॉरगॉटन पासवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरगॉटन पासवर्ड पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है किसी भी तरीके से। बस आपने अगर एक बार अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया किसी भी तरीके से, तो आपका अकाउंट वापस एक्टिवेट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, वो डीएक्टिवेट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन नहीं है, ईमेल एड्रेस और यूजर नेम डालने का ऑप्शन है, तो ईमेल एड्रेस और यूजर नेम डाल देना, नहीं तो मुझे यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय मोबाइल नंबर स्ट्रीट, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मोबाइल नंबर डालने का भी ऑप्शन आ गया है। अब मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर अकाउंट आपके सामने आ जाएगा, कौन सा अकाउंट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे लॉगिन कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है कि कोड डालूंगा तब अकाउंट एक बार तुरंत लॉगिन हो जाएगा, ऐसे आप अकाउंट को लॉगिन कर लेना हो जाएगा, नहीं तो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है कैंट कंफर्म अकाउंट, भाई अकाउंट मेरा लॉगिन हो चुका है, इस नंबर से जितने भी अकाउंट है सभी मेरे शो हो गए हैं सामने। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो अकाउंट मेरा तुरंत लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्लिक किया तो अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया है। दूसरे डिवाइस में जो लॉगिन है उसमें ये मांग रहा है ए डिवाइस इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू लॉगिन, ये वाला इस तरह से, तो मुझे ये अप्रूव देना है तब जाकर यहाँ पर मेरा लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया। तो इस तरह से अकाउंट लॉगिन हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर डालने पर, कोड लेने पर। तो इस तरह से अकाउंट लॉगिन हो गया, लेकिन भाई इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं भी आपको और तरीका बताता हूँ। इस पर चलते हैं, ऊपर ऑप्शन आ रहा है कैंट कंफर्म अकाउंट, इस पर क्लिक करते हैं। कैंट कंफर्म अकाउंट पर क्लिक किया तो कैंट कंफर्म अकाउंट पर क्लिक करते मुझे यहाँ पर और तरीके आ गए हैं। यहाँ पर एक तो व्हाट्सएप पर मुझे मोबाइल नंबर डाला हुआ है मैंने, उस पर कोड आएगा, और दूसरा यहाँ पर ईमेल आएगा, मतलब ईमेल आईडी पर, तीसरा यहाँ पर एसएमएस आएगा इसको मोबाइल नंबर पर। तो ये तरीके भी मेरे पास है, इनमें से किसी पर भी मैं कोड ले लूंगा और कोड डालने के बाद मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब फिर भी कोई तरीका है तो ट्राई अनदर वे पर क्लिक करते हैं। ट्राई अनदर वे पर क्लिक करते तो भैया तो हेल्प सेंटर में लेकर जा रहा है, इससे तो कोई दिक्कत मतलब ही नहीं है हमारा। तो इन तीनों तरीके से कोड लेकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना, कुल मिलाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना बस किसी भी तरीके से। एक बार अकाउंट लॉगिन हो गया वो एक्टिवेट रहेगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट को हमने टेम्पररी डीएक्टिवेट किया है और वो काफी 2 साल से मतलब डीएक्टिवेट ही पड़ा है, लॉगिन नहीं हो रहा, तो वो डिलीट होगा कि नहीं होगा? तो भाई अगर अकाउंट आपने डीएक्टिवेट किया है तो वो डिलीट कभी नहीं होगा, कभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट किया था परमानेंटली तो वो डिलीट हो जाएगा, उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 30 दिन का टाइम मिलेगा, 30 दिन से पहले पहले रिकवर कर लो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो रिकवर नहीं होगा, 30 दिन के बाद हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है अकाउंट।
तो इस तरह से अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं। और कोई सवाल है मन में तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।